आज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हम उदाहरण से समझेंगे। क्लैरिटी, जब आप संदेश भेजते हैं चाहे लिखित या मौखिक रूप में हो, अगर संदेश प्राप्तकर्ता को स्पष्ट नहीं है तो मैसेज प्राप्तकर्ता को समझ नहीं आएगा। कंसाइजनेस, समाचार चैनलों में 5 से 10 मिनट में टॉप 100 की खबरें बताई जाती है, तब कम समय में अधिक जानकारी दी जाती है बिना मैसेज को अधूरा छोड़े। कोहेरेंस, आपके मैसेज में एक फ्लू होना चाहिए, जैसे फिल्म की कहानी एक सीन से लेकर दूसरे सीन से जुड़ी होती है। करेक्टनेस, समाचार चैनल में अगर आपने GDP को 9.25 की जगह 9.35 बता दिया है तो यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अगर खबर फैक्ट पर आधारित नहीं है तो सही मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। कॉन्टेक्स्ट, मान लीजिए स्कूल में प्रोग्राम है, वहाँ अगर कोई पॉलिटिशियन एज अ चीफ गेस्ट आए और बच्चों से राजनीति पर बात करेंगे तो यह गलत होगा, इसलिए कॉन्टेक्स्ट का होना बेहद आवश्यक है। कम्प्लीटनेस, आपका मैसेज कम्प्लीट होना चाहिए, अगर आप फिल्म देखने गए और क्लाइमेक्स नहीं देखा तो आपको पूरी फिल्म समझ नहीं आएगी। क्रेडिबिलिटी, मैसेज में विश्वसनीयता का होना बेहद आवश्यक है, कोई भी जनता उस नेता पर कभी भरोसा नहीं करेगी जिसने आज तक चुनाव में किए हुए वादे को पूरा नहीं किया है।